Hello everyone, this is Abhisek. This is me, Rachita. Okay, so a very good morning to everyone. और आज हम ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 24/7. Let me show you. Oh, यहाँ पे है ही नहीं. So basically ये 24/7 है और अब टाइम हो रहा है. So जी अब जो टाइम हो रहा है वो है 6:51. So 9 minutes to 7 और गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी है. All set कहीं निकलने के लिए. And ये रही रचिता. Okay. So अभी एक लॉन्ग वीकेंड आया है जो आपको पता होगा रिपब्लिक डे का. तो उसी के एक छोटा सा ट्रिप के लिए हम नियर बाई प्लेस जा रहे हैं. सो जो रास्ते में चलते हुए आपको बताते हैं हम कहाँ चल रहे हैं. जैसे कि पता ना हो मैंने बताया नहीं. सो वी हैव प्लान फॉर पैंगोट दिस टाइम. पैंगोट बहुत ही मतलब एक लिस्ट में था बट कभी प्लान नहीं बन पाया था. राइट. यस. एंड ये एक्चुअली एक छोटा सा हिल स्टेशन जगह है. लाइक इतना जो मतलब यूजुअली जो हिल स्टेशन जो इतना फेमस होता है क्राउडेड होता है वो है नहीं. इतना हाइप नहीं है चाहिए वो. हमें तो राइट. तो इसीलिए अभी हम पैंगोट एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े हैं. एंड वो एक्चुअली नैनीताल के पास ही है. लाइक नैनीताल से ऊपर है. जस्ट मतलब 20 to 19 किलोमीटर डिस्टेंस है नैनीताल टाउन से पैंगोट. तो अभी खेतों से निकलते हुए मेन रास्ता जब आ जाता है उस साथ में बात करते करते चलते हैं क्या कैसा है आगे. तो जी कुछ ऐसा है रास्ता. ये है रास्ता. बहुत ही नैरो रोड है. आई नो ये मेन रोड कभी नहीं होगा. गूगल जी कभी भी मतलब गूगल माता. हाँ सच में ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. ये सरसों के खेत है. ये देखिए so nice. So after 150 kilometers, we are here for breakfast. और ये एक मतलब drive through है. ये देखिए drive through मैगी है. साइड एक KFC भी है. एक्चुअली यहाँ पे बहुत कम ही ऑप्शन है इस रास्ते में. आप अगर आते हो खाने का बहुत कम ऑप्शन है. आपको ये मिल जाएगा मैगी. एंड उसके बाद अभी स्टार्ट हो चुका है.
117 kilometers more to cover. So let's see. So we're foggy weather tha, and abhi acha sunshine nikal raha hai. Not so much sunshine, but yes, foggy aur nahi hai. हम अभी हमारे होटल पे पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हैं हमारे होटल का नाम है अरण्य विरासत पैनगोट. ये अभिषेक है जो गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं. ये इनका पार्किंग है होटल का. और आई थिंक हमें ये नीचे से थोड़ा ट्रैकिंग है उनके होटल तक जाने के लिए. एंड देखते हैं आगे जाके. आई थिंक ये हमारे जैसे यंग लोगों के लिए है. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो ये गुड, इट्स अ गुड 11 एंड हाफ एन आवर्स ड्राइव. ओके, बहुत अच्छा था. एंड होटल के लोकेशन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं मेरी चारों तरफ. ठीक है, ओके. सो और थोड़ा छोटा सा ट्रेल है, सो इसी ट्रेल के थ्रू जाना पड़ेगा. गाड़ी अपनी वहीं पे पार्क्ड है, सेफ है. अब चलते हैं होटल की ओर. भैया अपना बैग लेके, भैया बहुत स्वीट थे, भैया आके हमें रिसीव किया और हमारे सारे लगेज जो भी थे वो लेके नीचे जा रहे हैं. एंड ये मेरी बीवी जा रही है जो So, भैया भी बोल रहे हैं कोई 108 रूम है, वो हमारा है. चलो अब देखते हैं. इट्स अ वेरी मेस्मराइजिंग व्यू. वैसे अपना इवनिंग के टाइम ना, ये सूदिंग सा सनसेट के लिए ना, आई कुड स्पेंड टाइम एट एनी गिवन प्लेस. बहुत अच्छा ट्रिप.
हाँ जी भैया, हाँ जी हाँ जी, ओके ये वाला नहीं है, अच्छा अच्छा ओके, अच्छा सॉरी गाइस ये वाला नहीं है, और भी उस साइड है। गुड यू नो ट्रेकिंग, हम पहुंच गए हमारे होटल पे। सो ये होटल का नाम है अरण्य विरासत पैनगोट नैनीताल। सीम्स अपीलिंग, चलो अब देखते हैं रूम कैसा है क्या है। गुड प्रॉपर्टी, ये रिसेप्शन है, अपना फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं देन वी विल हेड टुवर्ड्स आवर रूम। सो फॉर्मेलिटीज सारे पूरे हो गए, आईडी मैंने सबमिट कर दिया एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रूम। ओह यहाँ पे भी चढ़ाई है भैया, बस इसी के लिए तो 12 घंटे का ड्राइव करके आए हैं भैया गुड़गांव से। ओ वाओ भैया, भैया इतने स्वीट है, वो मेरे को पूछ रहे हैं कि आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सर आप कोई भी फाइनलाइज कीजिए। सो ऊपर के कॉटेजेस एक्चुअली मेरा प्रेफरेंस था, सो हमने बुक भी ऊपर का ही कराया है। तो थैंक यू भैया, थैंक यू अरण्य होटल अरण्य विरासत फॉर दिस स्वीट जेस्चर। ओके सो चलिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ओके सो ये कॉटेज के टेरेस नहीं टॉप रूम के लिए रास्ता ऐसे ही कुछ जाता है। यस टेरेस कॉटेज, सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी, क्योंकि सनसेट हो चुका है सो इसी के लिए थोड़ा क्वालिटी। ओके ऑलराइट, वाओ परफेक्ट। ओके गाइस हम रूम में आ गए, ये है उसका क्यूट सा ब्यूटीफुल सा बालकनी, सी द व्यू इज ट्रूली अमेजिंग। मैं आपको रूम टूर दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा रूम एंड ये बेड है और बेड से ये व्यू है, सो नाइस। ये देखिए और आई थिंक ये वॉशरूम है, नाइस। सो गाइस अभी थोड़ा सा इवनिंग मंचिंग विथ टी एंड कॉफी एंड रिलैक्स मोड में अभिषेक मैं भी